नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 21 अगस्त 2020 के उपाय की। 21 अगस्त 2020 का उपाय आपको बताऊंगा, शुक्रवार का दिन है, और साथ में आपको बताने वाला हूं कि यदि धन का, पैसे का नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे रोकना है, इसके लिए कौन सा आसान सा टोटका है, ये भी आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये टोटके होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा शनि का टोटका किया तो एकाएक जो पॉजिटिव कोरोना पेशेंट था वो नेगेटिव हो गया, तो वो बहुत हैरान थे। लेकिन मेरे लिए इतनी हैरानी की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये टोटके रामबाण टोटके हैं, बहुत अधिक असर देते हैं। कुछ दिन पहले एक औरत से बात हो रही थी तो उनका बेटा सदैव मैं आत्महत्या कर लूँगा ऐसी बातें करता था, परंतु ये टोटके करने से वह नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकल आया। तो अभी आज आपको धन के नुकसान को रोकने वाला टोटका भी बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब किया है हुआ है तो बार बार नहीं करना होता, एक ही बार करना होता है, और लाइक फिर नीचे बेल का बटन आए उसको भी दबाना है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं शुक्रवार के उपाय की। शुक्रवार हमें लग्जरी आइटम्स देता है। शुक्रवार यदि उपाय किया जाए तो शुक्र 7 दिनों के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों के किसी अंगूठे में बिना वजह की तकलीफ हो, डबल माइंडेड रहते हों, सेक्स प्रॉब्लम हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, समझ लीजिए उनका शुक्र खराब है। ऐसे लोगों को दही का दान करना चाहिए, और कल भी आपने दही का दान ही करना है। साथ में यदि सफ़ेद वस्त्र दान कर सकें तो बहुत अधिक लाभ होगा। ये है शुक्रवार का उपाय। किसी गरीब को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए तो अधिक लाभ होगा। जल प्रवाह कर दीजिए तब भी लाभ होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टोटका करें जिससे कि यदि धन की हानि हो रही है तो वह रुक जाए ना हो। ये टोटका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सब बातें समझने होती हैं और समझनी चाहिए भी। यदि आपके निवास पर नल टपकता है, टप टप टप, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, या आपके घर में दूध उबल कर गिरता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन की हानि होनी ही है। तो अब यदि हम धन की हानि को रोकना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले नल से पानी टपकना रोकना होगा। फिर हमें जो ये दूध उबल कर गिरता है इसको रोकना होगा। दूध उबालने के लिए किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिए और जब तक उबल ना जाए तब तक पास ही खड़े रहिए, वरना क्या होता है, ये दोनों चीज़ें यदि आपके निवास पर होती हैं
तो वहाँ पर धन हानि बहुत होती है। और आपके घर का कोई भी लॉकर खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें रख दीजिए। यदि आप ऐसा कर लें तो धन हानि रुक जाएगी। और यदि कहीं आप पीली कोड़ियाँ, अभिमंत्रित पीली कोड़ियाँ अपने लॉकर में रख लें तो धन और तेज़ी से आता है। ये वाला उपाय और एक सिक्के लाल कपड़े में लटकाने वाला उपाय, ये दो उपाय मैंने खुद भी किए थे और मुझे बहुत लाभ हुआ। कोड़ियों वाले से तो मुझे बहुत तेज़ी से धन की प्राप्ति हुई। तो आप ये अवश्य करें, लाभ होता है। कोड़ियाँ नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए। यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्मपत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्मपत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।